बोलो भगवान श्रीमन्नारायण की जय। आज विधि विधान से भगवान के स्त्री का पाठ अभी अभी 3:35 पर देवताओं के पास पूजा हेतु बंद हो गए हैं। यहाँ की परंपराएं जैसे हम बार बार कहते हैं, षडमासम देवते पूज्या, षडमासम मानवी तथा, 6 महीने देव पूजन, 6 महीने नर पूजन, और उसी परंपरा के अनुसार आज प्रभात से हम परंपराओं में डूबे थे। बस भगवान का प्रभात में महाभिषेक, फूलों का श्रृंगार, यथासमय भोग और तत्पश्चात भगवान की सायंकालीन पूजाएं, भगवती लक्ष्मी का विशेष पूजन हुआ। स्त्री वेश में श्रीमान रावल जी सखी बन करके और लक्ष्मी जी को उठा करके भगवान के पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए हैं। कुबेर जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए हैं। गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान किए हैं। गद्दी जोशीमठ के लिए प्रस्थान की है। बस मैं तो भगवान को धन्यवाद करता हूँ, इस विकट बीमारी में भी बद्रीनाथ में कोई घटना घटी हो हमने नहीं सुना, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और जहाँ तक हम हैं या रावल जी हैं, लोगों ने कहा छींक आएगी, कोरोना आएगा, मैं समझता हूँ इस 6 महीने में न तो मैं कभी बुखार आया, न कोई छींक आई, न कोई जुखाम लगा, न कोई कष्ट हुआ, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। ये भगवान की साक्षात कृपा मानता हूँ। एक ही विश्वास था, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। भगवान नारायण सुरक्षा करते रहे, मेरी नहीं पूरे जगत की सुरक्षा करते रहे। जो लोग बद्रीनाथ आए सुरक्षित आए, जो लोग पूजा किए, जो दर्शन किए, और यद्यपि आने की मनाई थी लेकिन जो बद्रीनाथ के हैं वो कूद के आए, दौड़ के आए, लोगों ने दर्शन किए। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो लोग नहीं आ पाए हैं, कपाट खुलने की घोषणा होगी राज दरबार से बसंत पंचमी को, और आपका कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा। मई से ही आप आना प्रारंभ कर भगवान बद्रीनाथ जी का, और इस श्रीधाम से मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप कुशल रहें, सुखी रहें।